हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हरा धनिया उगाएंगे। काफ़ी लोग हरे धनिया को साबुत गोल धनिए से उगाते हैं, लेकिन हम हरे धनिया को उसकी जड़ से उगाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं, हमारे पास बाज़ार में मिलने वाला हरे धनिया की पत्तियां हैं। इसमें हम अपना धनिया निकाल लेते हैं, लेकिन इस जड़ को फेंक देते हैं। लेकिन हम इस जड़ को काट लेंगे और इसको हम अपना दोबारा से मिट्टी में उगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको उगाने के लिए मिट्टी ले लेते हैं। उससे पहले हम धनिया की जड़ें निकाल लेते हैं काट के। ये मेरे पास कुछ कटी हुई धनिया की जड़ें थी, ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जड़ें हैं। इसको हम अपनी मिट्टी में उगाएंगे। तो चलिए अब हम मिट्टी का पॉट ले लेते हैं। मिट्टी का पॉट लेने के लिए आपको कोई भी प्लास्टिक का पॉट होना चाहिए, इस तरीके का, 6 से 7 इंच का होना चाहिए। मेरे पे 6 इंच का है और ये आपको मिट्टी कोई सी भी ले लेनी है। इसमें कोई खाद की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा मिट्टी को भरें अपने ब्लैक पॉट में या मिट्टी के पॉट में, कोई भी पॉट हो, और मिट्टी भर लें। आप देख सकते हैं हमने मिट्टी पॉट में भर लिया है। जड़ें हम मिट्टी में लगाएं, उससे पहले हमें पॉट में से थोड़ी सी मिट्टी निकालनी है, जिससे कि जब हम इसके अंदर जड़ें डालें तो ऊपर से मिट्टी डालें, जिससे कि आप हमारी जो जड़ें हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो हमने थोड़ी सी मिट्टी निकाल ली है। मिट्टी निकालने के बाद हम इसमें उंगली से छेद करेंगे, उसके अंदर अपनी जड़ें डालेंगे। इस तरीके से आपको 5-6 छेद कर लेने हैं और एक एक करके आपको अपनी धनिया की जड़ें लगा देनी है। आपकी धनिया की जड़ें लंबी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है आप सीधा ही डालें। आप धनिया की जड़ें डाल के उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें अभी अपने जो मिट्टी निकाली थी हम उस मिट्टी को भी इसके अंदर लगाएंगे, जिससे कि वो एकदम बैलेंस बन जाए इनका ऊपर तक। जब आप जड़ें लगा लें, उसके ऊपर से जो मिट्टी निकाली थी वो मिट्टी ज़रूर डाल दें और इस तरीके से स्टेबल कर दें। मिट्टी ऊपर तक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप दिन पे दिन पानी डालोगे तो अपने आप मिट्टी नीचे बैठ के स्टेबल हो जाएगी और धनिया आपका उगना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आपको बस हल्का सा छिड़काव करना है उंगली पे लेके, हाथ पे लेके बस। और आप उसको सनलाइट में रख दें और थोड़ा चिड़ियों से बचा के रखें, आपका धनिया उगना हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।